अगर आप भी चाट खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। यहाँ पर हम लेफ्ट ओवर रोटी से बहुत ही मज़ेदार कटोरी चाट बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट ओवर रोटी लेनी है। तो यहाँ पर हमने रोटी ले ली है, अब हम किसी भी कटर या फिर ग्लास की मदद से इसे कट कर लेंगे। तो प्रेस करते हुए इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। इसी तरीके से पूरी रोटी में इस तरीके से जितनी भी हो सके उतने कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे ये शेप्स तैयार हो गए हैं, अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छन्नी ले ली है और इसमें इस तरीके से रोटी के टुकड़े को रखना है और इस तरीके से प्रेस कर लेना है। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम छन्नी को इस तरीके से डालेंगे और चम्मच से इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर चम्मच से प्रेस करके थोड़ी देर के लिए रखना है। अब हम छन्नी को बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप छन्नी को धीरे से बाहर निकाल लें। तो इस तरीके से आपकी कटोरी तैयार हो जाएगी। इसको तैयार होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, तो इस तरीके से आप फटाफट से सारी कटोरियाँ तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमने कटोरियाँ तैयार कर ली है, अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुकुम्बर ऐड करेंगे, इसके साथ ही थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा टमाटर भी ऐड करेंगे। आप अपनी मनपसंद सब्जियों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उबले हुए आलू भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी सब्जियों को ऐड कर लिया है, अब हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। तो सारे मसाले हमने ऐड कर लिए हैं। इसके साथ ही हम इमली की चटनी ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। तीनों कटोरियों में हम दही ऐड कर लेंगे। तो दही हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर हम प्लेन सेव ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो बीकानेरी सेव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेव भी ऐड कर ली है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट ओवर रोटी से घर पर ही आसानी से कटोरी चाट बना सकते हैं। थोड़ा सा धनिया से गार्निश करेंगे और यहाँ पर हमारी कटोरियाँ रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।